Everyone, welcome back to my channel. My name is Shikha Sharma and I am a teacher by profession and my channel name is Teach Nani Grow With Me. So आप इसे बहुत सारे ऐसे candidates होंगे teaching अपने career में बहुत ज़्यादा struggle कर रहे होंगे. इतनी जगह apply करने के बाद भी हमें कई बार कहीं से call नहीं आता है and हम लोग government job चाहते तो हैं but government job के लिए पढ़ने के लिए time नहीं मिल पाता है. तो हम till the time सोचते हैं कि हम private school join कर लेते हैं. But after applying in private schools also, calls are not coming. So what is the problem we are discussing about it? कि actually में ऐसी क्या problem है जिसकी वजह से हमें private school से भी job नहीं आ रहा है. As discussed earlier, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि first of all आपको अपनी profile बहुत attractive बनानी ज़रूरी है. Profile means आपका जो आपने curriculum vitae अपने resume बना रखा है, biodata बना रखा है, आपको उसको पहले attractive बनाना है. उसको इस तरह से बनाना है कि ताकि recruiters आपको call कर सके, मैनेजमेंट आपको कॉल कर सके. जब तक वो आपको कॉल नहीं करेंगे आपका इंटरव्यू कैसे होगा, राइट? हो सकता है आपको बहुत अच्छा नॉलेज हो अपने सब्जेक्ट में बट आपके क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती हैं हमारी कई बार इंग्लिश वीक होती है. हम लोग इतना इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं. वाई हमारे अंदर टैलेंट जरूर होता है पर अगर हम लोग इंग्लिश यूज नहीं करते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस वो बिल्डअप नहीं हो पाता है. सो अब देयर इज अ वैकेंसी इन दिल्ली पब्लिक स्कूल. दिल्ली पब्लिक स्कूल आपको सबको पता है कि दिल्ली पब्लिक स्कूल इज वन ऑफ द रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया. सो इसमें आपकी वैकेंसीज आई हैं और इस टाइम पे दिस इज द राइट टाइम टू अप्लाई क्योंकि इस टाइम पे अपने सारे स्कूल्स जो होते हैं न्यू वैकेंसीज देते हैं. अब टुडे 7 जनवरी आप देखेंगे ऑलमोस्ट किसी ना किसी स्कूल में आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी. एंड हिंदुस्तान टाइम्स आप देख सकते हैं. वैसे तो मैं भी आपको अपडेट करती रहूंगी बट स्टिल आप हिंदुस्तान टाइम्स ट्यूसडे थर्सडे और अगर ट्यूसडे थर्सडे का नहीं तो आप संडे संडे का हिंदुस्तान टाइम्स लगवा लीजिए. उसमें आपको एन नंबर ऑफ बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी हर संडे को एंड उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं. और ये जो वैकेंसीज होती हैं आपको जनरली जून तक देखने को मिलती है. तो इट्स बेटर कि आप लोग अपने आप को अभी प्रिपेयर कर लें. अगर आप लोग अभी फिलहाल गवर्नमेंट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम प्राइवेट के साथ साथ अप्लाई गवर्नमेंट की भी प्रिपेयर कर सकें तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं. अब अप्लाई करने के लिए आप लोगों को अपना CV अट्रैक्टिव बनाना है, CV बहुत अच्छा बनाना है जिससे रिक्रूटर्स आपको कॉल कर सकें. सेकेंडली जब आप लोग ये DPS स्कूल में अप्लाई करेंगे आपको क्या करना है, जैसे ही आप गूगल पे डालेंगे DPS वैकेंसी तो गुड़गांव में भी वैकेंसी आई हुई है, आपकी राजनगर एक्सटेंशन में भी वैकेंसी है, आपकी रोहिणी में भी वैकेंसी है. तो आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा. अब एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करेंगे, आप आपकी पहले से पहले आप डिटेल्स अपनी रेडी रखिए लाइक योर नेम, आपका परमानेंट एड्रेस, आप लोगों ने कहाँ से कौन से स्कूल से टेंथ करी है, विच परसेंट आपकी परसेंटेज क्या है, क्या क्या सब्जेक्ट्स थे, 12th की परसेंटेज आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स थे, देन आपने जो भी ग्रेजुएशन करी है कौन से सब्जेक्ट्स में करी है, देन आपने BEd करी है, CTET क्वालिफाई है, आप लोग सबके अपना ईयर कौन से ईयर में आपने क्लियर किया है विद परसेंटेज आप लोग एक शीट ऑफ पेपर पे लिख के रखिए क्योंकि जो DPS का एप्लीकेशन फॉर्म है बहुत लंबा चौड़ा फॉर्म है. मैं आपको लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप अप्लाई कीजिए. एंड टिल द टाइम आप लोग जैसे ही अगर आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो आपके ईमेल ID पे क्या होगा, आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी दैट योर फॉर्म इज सक्सेसफुली सबमिटेड. और उसके बाद आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करिए क्योंकि DPS का इंटरव्यू बहुत अच्छा होता है. सबसे पहले ही जाते ही आपको डेमो के लिए बोलेंगे वो. तो जिस भी क्लास के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, TGT कर रहे हैं तो आपको कोई भी क्लास के लिए डेमो कर देंगे. तो आपको डेमो प्रिपेयर करना है, अपना इंटरव्यू बहुत अच्छा प्रिपेयर करना है एंड रिटन टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करना है. तो अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का DPS में हो. DPS के अंदर आपकी जो सैलरी होती है बहुत अच्छी हैंडसम सैलरी होती है एज पर गवर्नमेंट ग्रेड क्योंकि DPS के अपने नॉर्म्स होते हैं. तो आपको ये 7th पे कमीशन सैलरी देता है. येस आपको बिगनिंग के दो साल में आपको वो कॉन्ट्रैक्चुअल पे रखेंगे बट अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो दे विल कीप यू एज परमानेंट कैंडिडेट. थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे.